हेलो फ्रेंड्स चलिए अब हम आज बात करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है ये क्यों है कैसे सारी चीजें इसमें मूव करती हैं जर्नल एंट्री सब हम इसके अंदर बात करेंगे ध्यान से देखिए देखो वंस हमने पी एल बना लिया एल से हमारे पास क्या आ गए प्रॉफिट्स अब ये प्रॉफिट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वेरियस फॉर्म में जैसा कि आपने देख लिया इन द फॉर्म ऑफ सैलरी इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कमीशन ये सोनो तो बेसिकली हम बनाते हैं पी एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट अप्रोप्रिएशन विच मींस एलोकेशन एलोकेशन मतलब ये बेसिकली ये अकाउंट आपको क्या बताएगा कि हाउ द प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड क्या बताएगा हाउ द प्रॉफिट्स आर एलोकेटेड लिख देता हूं मैं ताकि वो आपके क्लियर फैमिलियर हो चुका हाउ द प्रॉफिट्स आर एलोकेटेड बिटवीन पार्टनर्स एंड फर्म इनफैक्ट इसका कुछ पार्ट जो है हमारा वो हम रिजर्व में भी रखते हैं सोनो yes no. तो बेसिकली पी एल अप्रोप्रिएशन में ये सब किया जाता है पी एल से जो भी हमारा प्रॉफिट आता है वो हम ट्रांसफर कर देते हैं पी एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में समझ में आया तो सबसे पहली चीज जो निकल के आई ये आपको बनाने की जरूरत नहीं सिर्फ ऊपर वाला लिखे फॉर ट्रांसफरिंग द प्रॉफिट्स From पी to एल Appropriation Account एन से पी Appropriation में प्रॉफिट ट्रांसफर करने के लिए क्या इंटरव्यू की बताओ पीएनएल Appropriation में आ रहा है क्रेडिट हो जाएगा वो पीएनएल Appropriation अकाउंट और यहां पर पी एंड एल अकाउंट डेबिट पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अब इसके बाद क्या होगा हम इस प्रॉफिट्स को एलोकेट करेंगे कैसे फॉर ट्रांसफरिंग द अमाउंट रिजर्व अगर हमने कोई रिजर्व्स बनाए हैं इस प्रॉफिट में से तो रिजर्व्स का नेचर क्या होता है क्रिएट होता है यस। yes. तो रिजर्व्स क्रिएट करें हैं, तो टू रिजर्व्स, ठीक है और जो हमारा एल एप्रोप्रिएशन है क्या हो जाएगा इट इंडिकेट्स कि पार्ट ऑफ द प्रॉफिट से हमने क्या बना दिया अपने रिजर्व्स अगर क्वेश्चन में कुछ बोला गया है तो ठीक है ये आपको जो मैंने यहां बनाया है करने की जरूरत नहीं है जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ये था ठीक है अब इसके बाद आपने रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर कर दिया अब फॉर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हमें देना है पार्टनर्स को उसके लिए क्या इंट्री होगी बहुत सिंपल है जी मुश्किल होता है मैं पढ़ाते ही नहीं आपको पता जो मैं पढ़ाता हूं वो आसान होता है बस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट और हम क्या देते इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी पार्टनर का बनता है समझ में आए पी एंड टू तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और फिर जिसका जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है वो उसके पार्टनर के अकाउंट में चला जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू सपोज ए का बनता है तो जितना ए का बनता है वो ए के कैपिटल में जितना बी का बनता है उतना बी की कैपिटल के अंदर जो है हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपना ट्रांसफर कर देंगे ठीक है जी आपको होपफुली ये समझ में आ रहा है पी एप्रोप्रिएशन अप्रोप्रिएशन डेबिट क्यों किया क्योंकि जब आप एलोकेट कर रहे हैं अपने प्रॉफिट्स तो आपके प्रॉफिट्स क्या हो रहे हैं कम हो रहे हैं तो इसलिए हमने उसे डेबिट किया प्रॉफिट कभी भी बढ़ते हैं तो उसे हम क्या करते हैं क्रेडिट कम होते हैं तो क्या करते हैं डेबिट पी एल अप्रोप्रिएशन में वी आर एलोकेटिंग तो एलोकेट करने से प्रॉफिट्स हमारे डिस्ट्रीब्यूट कम हो रहे हैं तो इसलिए हम उसे डेबिट कर रहे हैं किस फॉर्म में दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और फिर जिसका जितना इंटरेस्ट बनता है वो दे दिया वी कैन राइट द नरेशन ऑल्सो बींग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बींग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएटेड आप ऐसे लिख दो यहां आप लिख सकते हो बींग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स ंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड टू पार्टनर ठीक है सेम वे वी कैन डू द एंट्री फॉर सैलरी फॉर प्रोवाइडिंग सैलरी टू दार्टनर सैलरी टू पार्टनर फॉर प्रोवाइडिंग सैलरी तो बताओ क्या होगा सैलरी प्रोवाइड करने के लिए भी सेम वे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी एंड देयर आफ्टर जिसकी जितनी सैलरी बनती है उसको हम एलोकेट कर देंगे कैसे नरेशन भी लिखूं चलो लिख देता हूं बींग सैलरी एप्रोप्रिएटेड या एलोकेटेड रेशन सबकी सेम रहेगी बस आयु सी ए वहां पर सैलरी आगे आगे कमीशन आ जाएगा फिर वैसे अब वैसी सैलरी प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स तो नेक्स्ट एंट्री पार्टनर्स सैलरी डेबिट टू जो भी हमारे पार्टनर हैं एस कैपिटल बीस कैपिटल ठीक है सबको हम सैलरी एप्रोप्रिएट कर देंगे तो बींग सैलरी प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स ठीक है आपको एंट्रीज होपफुली समझ में आ रही सबसे पहले हमने ट्रांसफर करा फिर हमने रिजर्व बनाया तो यहां पे भी आप बना सकते हो बींग रिजर्व एप्रोप्रिएटेड एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है उससे एग्जाम में पूछी जाती है नेक्स्ट फॉर कमीशन कमीशन के लिए कै एंट्री होगी बताओ वेरी गुड पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन ठीक है कमीशन टू पार्टनर्स है कहीं सोचो सेल्समैन की कमीशन है सेल्समैन की कमीशन एक्सपेंस है एक्सपेंस इज अ चार्ज वो भी अभी समझाता हूं आपको बींग कमीशन अप्रोप्रिएटेड ठीक है और उसके बाद ये जो कमीशन है पार्टनर्स कमीशन डेबिट ये हम पार्टनर्स को एलोकेट कर देंगे टू ए बी सी जो भी पार्टनर है हमारे ठीक है बींग कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स लिख लो गट में लिख दू बीसी पी बींग कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स ठीक है आप एग्जाम में मत लिखा ना ऐसे चलो अब इसके बाद फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राॅइंग्स टेकन फ्रॉम पार्टनर्स देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है हम पार्टनर से लेते हैं या देते हैं अरे निकमो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो हम उससे हाँ, लेते हैं वेरी गुड तो ये जो एंट्री अभी तक आप करते आ रहे थे ये एलोकेशन की थी नाउ वी आर टेकिंग तो एंट्री सही सोच रहे हो रिवर्स हो जाएगी तो पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बींग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टेकन समझ में आया और किससे कितना लिया उसका हिसाब किताब चाहिए तो जितना जितना लिया ये तो आपने टोटल से एंट्री कर दी अब हो सकता है ए से कुछ ले आओ कुछ बी से लिया एस कैपिटल डेबिट बीस कैपिटल डेबिट टू पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिस इज बींग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ट्रांसफर टू कैपिटल

ट्रांसफरिंग शेयर इन प्रॉफिट्स जो प्रॉफिट्स के अंदर हिस्सा बनता है वो देंगे तो क्या इंटरव्यू के बताओ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू शेयर इन प्रॉफिट और उसके बाद जिसको being profits appropriated ठीक है उसके बाद share in profits debit जिसको जितना profit का हिस्सा मिलना है टू is capital to कैपिटल जिसको जितना जाना है उसको उतना प्रॉफिट आप दे दोगे ठीक है बींग प्रॉफिट प्रोवाइडेड टू पार्टनर लॉस होगा तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी तो आपने देखा एल एप्रोशियन के लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले होता क्या है एलोकेशन अप्रोप्रिएशन का मतलब ये क्या बताता है कैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया पी एंड एल से प्रॉफिट हैं पी एंड एल कहा्रोप्रिएशन में उसकी एंट्री आपने देखी फिर रिजर्व बनेंगे आईओसी सैलरी कमीशन और कोई भी एक एंट्री समझ लो बाकी आपको बाई डिफॉल्ट समझ में आ जाती है इंटरेस्ट ऑन ड्राॅइंग और फिर शेयर इन प्रॉफिट तो अगर आप इसको अकाउंट फॉर्म में देखना चाहो प्रॉपर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इसे हम देखें हमारे पास पीएनएल से प्रॉफिट आएगा देखो बहुत बच्चे गलती करते हैं इसको सीधे नेट प्रॉफिट लिख देते हैं नहीं नेट प्रॉफिट नीचे ब्रैकेट में लिखना है आपको यहां पी एल अकाउंट लिखना है समझ में आ गया इसके बाद यहां पर अगर आप देखें तो इंटरेस्ट ऑन अच्छा सॉरी सबसे पहले मैंने आपको रिजर्व क्रिएट करवाए थे

इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया और अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए आप यहां बाइफ़र्केशन भी कर सकते हैं कि ए को कितना दिया बी को कितना दिया ठीक है ऐसे भी आप कर सकते हैं सैलरी दे दी हमने तो भी प्रॉफिट कम हो गए ए को बी को रज्यूमिंग टू पार्टनर्स ठीक है कमीशन दे दी ए को और बी को जो भी बनती है उसके बाद और हम्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो हमने लिया था तो उससे हमारे प्रॉफिट बढ़ गए ए से और बी से ठीक है उसके बाद जो भी शेयर इन प्रॉफिट्स बनता है शेयर इन प्रॉफिट्स बहुत सिंपल है कुछ भी इसके अंदर टेक्निकल नहीं है का और बी का तो ये बन गया आपका एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट होपफुली आपको क्लियर है बस इसमें ध्यान क्या रखना एग्जाम में मैंने आपको बता दिया ये पी एंड एल लिखना है आपको नेट प्रॉफिट सीधे नहीं लिखना ठीक है मार्क्स कट सकते हैं उसके बाद जो जो चीजें लोकेट करते जा रहे हैं उतना उतना कम होता चला गया सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आता है जिससे क्रेडिट हो जाता है ठीक है हमने एंट्रीज भी देख ली प्लस हमने इसका अकाउंट भी अच्छे से समझ लिया अब इसके बाद ही हम अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीख सकते हैं देखिए कैसे इसी पे ही कर देता हूँ चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट एक पूरा फॉर्मेट खींच लेते हैं पहले जितने पार्टनर्स हैं उतने कॉलम आप अमाउंट के बना लेंगे पर्टिकुलर्स ए, ध्यान से देखिए अब देखो पार्टनर्स का क्रेडिट बैलेंस होता है कैपिटल का तो जो भी उनकी कैपिटल ऑलरेडी है बैलेंस बेटी अगर वो ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल कैपिटल लाएंगे देखो मैं याद दिला दो तुम्हें निकम्मो भूल गए हो गए कैपिटल बढ़ती है तो क्या करते हैं क्रेडिट कैपिटल कम होती है तो क्या करते हैं डेबिट ठीक है क्रेडिट में जो भी ओपनिंग कैपिटल वो आपने लिख दी इसके बाद जो भी वो एडिशनल कैपिटल लाए बैंक अकाउंट दिस इज़ फॉर एडिशनल कैपिटल क्यों करी क्रेडिट क्योंकि कैपिटल एडिशनल कैपिटल से कैपिटल बढ़ती ड्रॉइंग्स करी तो दैट विल बी डेबिटेड क्यों उससे कैपिटल कम होती है वेरी गुड समझ में इसके बाद क्या क्या चीजें उन्हें मिलती हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से जो जो उन्हें एलोकेट होता है सबसे उनकी कैपिटल बढ़ती है और वो क्या क्या होता है बताओ दैट कैन बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट कैन बी सैलरी दैट कैन बी कमीशन दैट कैन बी शेयर इन Profits, so much, ma'am. What it up? सेम वे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उनसे चार्ज किया जाता है तो उनकी कैपिटल कम हो जाती है तो पी एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट वहां से हमने क्या चार्ज किया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप देखो जो भी वहां चीजें डेबिट हुई थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन शेयर इन प्रॉफिट वही चारों चीजें यहां पर हमने क्रेडिट करी और ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वहां क्रेडिट हुआ तो डेबिट हुआ और यहां पर हमारा क्या आ जाएगा फिर बैलेंस सी डी ठीक है तो ये है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ठीक है ये मैंने आपको करवाया जब कैपिटल हमारी फ्लक्चुएटिंग है फिक्स्ड होगा तो क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा उससे पहले आप यहाँ तक सारा का सारा था नोट डाउन कर लीजिए फास्ट और अच्छे से से दिमाग में बैठा लीजिए फिक्स्ड होगा तो क्या होगा प्लस उसके ऊपर न्यूमेरिकल वगैरह सब करेंगे नेक्स्ट पार्ट में पहले आप ये सारा नोट डाउन कर लीजिए फास्ट